37-38 ईयर्स में बंदा अगर ये कहे कि इंडिविजुअली एक कुछ मैं मेजर चेंजेस ले आऊंगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्योंकि चेंजेस तो वही होती है, उसकी खास एज होती है जहां पर आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ सकती हैं. हाँ, ये अब मैं ज़रूर कहूँगा कि इस मुआशरे में चेंज के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो देखिए, वक्त के साथ साथ हर मुआशरे में चेंजेस आते हैं. ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस एंड पॉपुलर चेंजेस, उनको कभी नहीं रोकना चाहिए. ठीक, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चेंजेस को और पॉपुलर चेंजेस को रोकेंगे तो आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम उसमें नुकसान आप इतना करेंगे पूरी सोसाइटी का कि वो फिर उसको शायद पूरा करते करते सदियों लग जाएं. तो चेंज, अगर इफ इट्स फॉर द गुड, नथिंग लाइक इट, होना चाहिए चेंज को. आप इस जमाने की पॉलिटिक्स को अगर कंपेयर करें, बहुत पहले की पॉलिटिक्स है, हाउ वुड यू कंपेयर? जमीन आसमान का फर्क. मेरे ख्याल से पहले पॉलिटिक्स, मैं ये कहूँगा कि शायद वो पॉलिटिक्स भी नहीं थी, वो तो मेरे ख्याल से खलूस, खिदमत, ईमानदारी, सच्चाई, इससे भरी पड़ी थी. और आज की जो पॉलिटिक्स है, वेरी फ्रैंकली मैं ये कहूँगा कि शायद अब उसमें बहुत फर्क आ गया. सोचने में भी फर्क आ गया मेरे ख्याल से, इंडिविजुअल्स में भी फर्क आ गया, माहौल में भी फर्क आ गया. आज से 50-60 साल पहले जो पॉलिटिक्स हमारे बुजुर्गों ने की है, सब ने की है, और वो आज पॉलिटिक्स को देखे तो शायद वो कभी पॉलिटिशियन बनना ना चाहे. ठीक, आपने कहा कि यू नेवर वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन, तो फिर किस चीज ने कंपेयर किया कि यू एक्चुअली लैंडेड इन पॉलिटिक्स? हालात. हालात, हालात ने किया. एक्चुअली ऐसे हुआ कि मैं व्हाइल आई वाज स्टडिंग इन एडवर्ड्स कॉलेज, उन दिनों में चूंकि मेरे फादर MNA थे, वो फिर उस दौरान मिनिस्टर भी बन गए, तो ज़्यादातर वक्त वो इस्लामाबाद में रहते थे, उनकी ऑफिशियल इंगेजमेंट्स होती थी. तो इनिशियली उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया कि मेरी गैर मौजूदगी में ये कुछ इंपॉर्टेंट हाजिरियाँ होती हैं हमारे यहाँ पर, फातिहे होते हैं, शादियों पर जाना पड़ता है, तो ये ज़रा आप कर लिया करें. अच्छा, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ वो करना मैंने शुरू कर दिया. उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एक प्रॉब्लम यहाँ हमें पड़ गई अपनी मर्दान, प्रॉपर मर्दान सिटी में, इंटरनल डिफरेंसेस कुछ दो ग्रुप्स के आ गए. वो इंटरनल डिफरेंसेस को मुझे उन्होंने कहा कि इसको आप जरा हल करा दें, और एक जिरगा उसमें हमने किया. ठीक है, वो इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि इंटरनल डिफरेंसेस तो हल हो गए, लेकिन उसको मुझे कीमत अदा करनी पड़ी कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अब ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी को जो है तो हैदर खान लीड करेंगे, तो फिर हम अपने डिफरेंसेस को खत्म करते हैं. अच्छा, तो दैट इज हाउ कि मैं फंस गया. ठीक है, तो उसके बाद आपने कैसे उसको हैंडल किया? ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया. वो मेरी पहली पॉलिटिकल असाइनमेंट थी 1992 के आखिर में. ठीक है, मर्दान सिटी का मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बना. दैट वाज माय फर्स्ट पॉलिटिकल असाइनमेंट. और उसके बाद बस फिर चलता गया. उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना. अच्छा, उसके बाद फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना दो दफा, और उसके बाद फिर प्रोविंशियल कैबिनेट में दो दफा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहा. फर्स्ट पब्लिक स्पीच, या आप कह रहे हैं कौम से जो खिताब होता है, हाउ नर्वस वर यू और वर यू नॉट, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, इनफैक्ट दैट इवनिंग. और हकीकत में इट वॉज सो डिफिकल्ट. ठीक है, एंड बाय द वे दिस वॉज इन 1988. ठीक है, उसी इलेक्शन की मैं बात करूंगा जो मैंने पहले कहा कि मेरे फादर हार गए थे, और फिर उस पर मैं काफी डिसअपॉइंटेड था. वो मेरी फादर की एक एंगेजमेंट थी कहीं पर, और इलेक्शन कैंपेन में अक्सर ये हो जाता है कि आखिरी दिनों में ये जलसे जुलूस ज्यादा हो जाते हैं, फिर कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए. तो मर्दान में एक जगह पर उनकी एंगेजमेंट थी और वहां वो नहीं जा सकते थे. मैं छुट्टियों पर आया था और वो पार्टी के जो हमारी लीडर्स थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जी हमारे साथ ये चले जाए, तो मुझे साथ लेकर चले गए. मैं तो ये समझ रहा था कि मुझे इसलिए साथ लेकर गए कि मैं वहाँ आराम से बैठ जाऊँगा, वो लोग अपनी बातें करेंगे और ये कहेंगे कि जी वो आजम खान साहब तशरीफ नहीं लाए तो उनके बेटे आए. आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, वो रूटीन की उनकी मीटिंग चल रही थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक जो कंडक्ट कर रही थी मीटिंग को, वो साहब उठ के कहते कि जी अब मैं आजम खान के बेटे और जो वली खान के नवासे भी हैं, हैदर खान इधर तशरीफ फरमा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उठ के चंद बातें करें. ठीक है, पहले तो मुझसे उठा नहीं गया जी. जब मैं उठा तो मुझे समझ ही नहीं आई कि फिर मैं अब क्या कहूँ. हालांकि कॉलेज में मैंने तकरीरें की थी जी. लेकिन दिस वॉज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. बस वो दो तीन बातें कर कर ही मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करके मैं बैठ गया. लेकिन इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट. ठीक है,
आपके नज़दीक जैसे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो हटते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली जिस भी बच्चे से हम पूछें ही जस्ट वॉन्ट्स टू कम्प्लीट हिज स्टडीज़ और उनका ख्याल है कि वो बाहर चले जाएंगे, इस परसेप्शन को कैसे चेंज करें हम लोग? देखिए जी, अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी होगी। कैसे? एक तो हमें अपने यंगस्टर्स को यह समझाने की ज़रूरत होगी कि जी देखें, पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। जी पाकिस्तान में पैदा होकर, पाकिस्तान में पल बढ़कर, पाकिस्तान में पढ़कर, अगर आप फिर बाहर जाकर दूसरे मुल्कों में वहाँ पर अपनी एफर्ट्स करते हैं और वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। उनको कन्विंस करना चाहिए कि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कम से कम थोड़ी बहुत अवेलेबल है उसे तो फ़ायदा वो उठाए। ठीक है। सेकेंडली, कुछ मेरे ख्याल से हमारी अपनी सिस्टम की भी कमी है। मेरे ख्याल से हमारी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अगर आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ले लें, ओवरऑल जो माहौल इस वक्त मुल्क का बना हुआ है, फिर इसके साथ साथ हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, फिर जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस, देन द पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होल, हमें भी रीथिंकिंग की ज़रूरत है कि हम अपनी यूथ के लिए यहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो उनको हमें इंकरेज करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर हमने ज़रूर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी, ताकि ये बाहर वाली अट्रैक्शन जो हो वो अट्रैक्शन उनको यहाँ पे नजर आए, और यहाँ पे मिले तो नहीं जाएंगे फिर।